हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मूल्यांकन और आकलन इस पर आधारित पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम हल करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, यह निर्णय लेना कि क्या शिक्षार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि सीखने में जो भी कमियां रह गई हैं उनका निदान और उपचार किया जाए। ऑप्शन चार यहां पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा या फिर प्रश्नोत्तरी और खेल। तो यहाँ पे रचनात्मक आकलन का जो उचित उपकरण नहीं होगा वो होगा सत्र परीक्षा। ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह किसकी ओर संकेत करता है? सीखने के आकलन की ओर, या फिर सीखने के लिए आकलन की ओर, या फिर आकलन के लिए सीखना, या फिर आकलन का सीखना। तो यहाँ पे क्रिस्टीना क्षेत्र भ्रमण के बाद वापस आकर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा कर रही है, इस कारण वह सीखने का आकलन कर रही है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। सीखने का आकलन जो होता है प्रायः जो है इकाई के अंत में किया जाता है। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय किसके? विद्यार्थियों की आवश्यकताएँ, विद्यार्थियों की त्रुटियाँ, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ या फिर विद्यार्थियों की क्षमताएँ। तो सीखने के लिए जब आकलन किया जाता है तो विद्यार्थियों की त्रुटियां, अधिगम शैलियां एवं क्षमताओं का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। इसके सिवा सभी का जो है मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है। अगला प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? किस पर बल देता है, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इस पर बल देता है कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। इस पर ऑप्शन बी यहां पे सही ऑप्शन होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक खाली स्थान है, कह रहा है इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, समर्थन प्राप्त करना, विशिष्टताओं पर बल देना, प्रश्न पत्र की संरचना या फिर पैटर्न से परिचित कराना, और चौथा ऑप्शन है परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। तो परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचेंगे तो आप चिंता कम नहीं करेंगे, चिंता को बढ़ा देंगे। इस कारण यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन होगा ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। इसके अतिरिक्त सभी जो हैं परीक्षा की चिंता को दूर कर सकती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, एक खाली स्थान है, फिर से कह रहा है इसके अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देती हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शंस हैं पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, दूसरा ऑप्शन है जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना, तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठ पोषण लेने के लिए कहना, और चौथा अवसर लेने की हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। तो यहाँ पे किसके अतिरिक्त सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। इसके अलावा जो है सभी सीखने के रूप के आकलन को बढ़ावा दे रहे हैं। अगला प्रश्न, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन क्या किया जाता है? समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, तीसरा ऑप्शन है सकल आकलन को बढ़ावा देता है, और चौथा ऑप्शन है आकलन को सीमित कर देता है। तो केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन को जो है सीमित कर देता है। ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? ऑप्शंस पढ़ रहा हूं, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, तीसरा ऑप्शन है स्व आकलन के लिए कौशलों को प्रतिमानित करना, और चौथा है आप उसकी सफलता हेतु तो उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करना। यहाँ पे जो पहले तीन ऑप्शन हैं यह मूल्यांकन या फिर आकलन से संबंधित हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है इनसे संबंधित नहीं है।
इसी कारण यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, क्यों प्रारंभ किया गया था ये बताइएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। जी हाँ, विद्यालय आधारित आकलन इसीलिए प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही है, इस कारण यहाँ पे पहला ऑप्शन टिक करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन या फिर विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो रचनात्मक आकलन का कार्य जो नहीं है वह है विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। ऑप्शन चार यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है, किसको विकसित करने के लिए किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर शिक्षा में प्रोन्नत करना है। दूसरा ऑप्शन है उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। और चौथा है कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? शिक्षा के साथ परीक्षण का तालमेल बिठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना। और चौथा ऑप्शन है यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। तो यहाँ पे सतत व मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और उसमें सुधार किया जा सकता है यह जानने के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? पहला ऑप्शन है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। यह जो है सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शंस को आप लोग पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण हैं। दूसरा, बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वह समझ सकें अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर हैं। तीसरा है आकलन में अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी होती है। और चौथा ऑप्शन है आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। तो आकलन शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग क्यों है? यह इसलिए है क्योंकि आकलन में अध्यापक जो है बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आकलन, आकलन क्या है? आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए बताइएगा। सघन अभ्यास कार्य होना चाहिए, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना चाहिए या फिर समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। तो उनके निदान के बाद जो है समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो पहला ऑप्शन है आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए यानी मितव्ययी होना चाहिए। दूसरा है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तीसरा ऑप्शन है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। और चौथा, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो विद्यालय आधारित आकलन का मुख्य रूप से जो सिद्धांत है वह यह है कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा
जो शिक्षक होते हैं अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर तरीके से जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? अधिगम के आकलन को कौन सा उजागर कर रहा है बताइएगा। शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। और चौथा, शिक्षक किसी विद्यार्थी में निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। यहाँ पे कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर कर रहा है? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक शिक्षार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। ये यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित कर रहा है, वह क्या कर रहा है बताइएगा। सीखने का आकलन कर रहा है, सीखने के रूप में आकलन कर रहा है, सीखने के लिए आकलन कर रहा है, या फिर सीखने के समय आकलन कर रहा है। तो यहाँ पे जो शिक्षक कर रहा है वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, विद्यालय आधारित आकलन, यह फिर से विद्यालय आधारित आकलन पर आधारित है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है उसको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वह यह होगा, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न, अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक है? ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, या फिर पृथककरण और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए? तो अधिगम में आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये थे मूल्यांकन और आकलन पर आधारित कुछ प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लीजिए। जल्द मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।